हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो फाइनली आज हम लोग अपना पूरा का पूरा एग्जाम गैप रिवीजन को एंड करेंगे लेकिन काम खत्म नहीं हुआ अभी अभी हम लोग पूरा का पूरा क्लास सिलेबस को रिवाइज़ कर रहे हैं लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं क्लास एज पर स्ट्रैटेजी एज पर स्केड्यूल जो हम लोगों को करना है तो आज आप लोगों के पास आखिरी दिन है आखिरी मौका है कि आज रात तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म कर लो एटलीस्ट पार्ट बी जो हमने आज शुरू किया था उसे पूरा का पूरा खत्म कर लो फिर हमारे पास कल का दिन रहेगा परसों की सुबह रहेगी जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट रिविजन करेंगे लाइव आकर और कल के दिन में भी क्लास एक बार क्विक रिकैप करना है क्ली वर्ड्स को एक बार फिर से देख लेना है सारे के सारे कुछ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं कुछ केस स्टडीज इंपोर्टेंट केस स्टडीज हैं उनकी प्रैक्टिस करनी तो काफी कुछ करने को है तो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड और आज कोशिश करो किसी भी तरीके से क्लास अच्छे से ये पूरा का पूरा क्लास आप खत्म कर दोगे एग्जाम गैप आप रिविजन अभी हम लोग मार्केटिंग चैप्टर शुरू करेंगे मार्केटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है तो अच्छे से तसल्ली से करना है कोई जल्दीबाजी नहीं करना कि कहीं भी हमारा क्लास कोई कॉन्सेप्ट मिस हो मार्केटिंग से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है मार्केट मार्केट बेसिकली वो जगह है जहाँ बायर सेलर मिलते हैं और गैदर होने के बाद इकट्ठा होते हैं और मिलते हैं क्लास बाइंग सेलिंग एक्टिविटी बायर क्या करता है सामान खरीदता है पैसे देता है सेलर सामान बेचता है और पैसे लेता है अच्छा मार्केटिंग क्या है मार्केटिंग एक प्रोसेस है पीपल वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेस जो ये एक्सचेंज हो रहा है ना उस प्रोसेस को मार्केटिंग बोलते हैं जिस प्लेस पे ये गैदर हुए उसको बोलते हैं मार्केट market. और मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केट मार्केट की रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी की जा रही है उसको मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है मार्केटर कौन होता है क्लास मार्केटर वो पर्सन होता है क्लास जो सामान की मार्केटिंग कर रहा है यानी कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोसेस ऑफ exchange me

अगला क्रिएट मार्केट ऑफरिंग मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब क्लास सामान के बदले पैसे पैसे के बदले सामान ठीक है तो ये हो गया एक्सचेंज मैकेनिज्म ये चारों चीज़ें होनी चाहिए चीज़े. पहला न्यूड एंड वॉन्ड्स होनी चाहिए कस्टमर वैल्यू होना चाहिए मार्केट ऑफरिंग होना चाहिए और एक एक्सचेंज मैकेनिज्म तो एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है वो एसेंस ऑफ मार्केटिंग है ध्यान रखना मार्केटिंग मैनेजमेंट की पांच फिलोसफी है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से केस स्टडी बनता है सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहते हैं सामान सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए लो प्राइस पे और इजीली अवेलेबल मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो ताकि सामान सस्ता हो और हर जगह अवेलेबल हो घड़ी साबुन हो गया ना घड़ी डिटर्जेंट हो गया वैसे लक्स हो गया वैसे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए एक्स्ट्रा फीचर्स होना चाहिए क्लास और हाई प्राइस और यानी कि प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए सेलिंग कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो एम्फोसिस ऑन सेल वॉल्यूम पे बात करता है अग्रेसिव प्रमोशन टेक्निक बाई हु क्रुक किसी भी तरीके से सेल्स करना ही करना है जो बनाते हैं वो बेचते हैं अट्रैक्टिंग एंड परसूडिंग कस्टमर जब ऐसी चीजें आ जाए ना अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक तो समझ जाना वो कौन सा कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट

कॉन्सेप्ट मतलब कस्टमर की नीड तो देखो लेकिन देखो कहीं कस्टमर की नीड से सोसाइटी का नुकसान तो नहीं हो रहा तो कस्टमर की नीड प्लस सोसाइटी का भला वो दोनों चीजें आता है किसके अंदर सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पहला फंक्शन है क्लास मार्केट रिसर्च मार्केट रिसर्च का मतलब गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन मार्केट की पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना फिर थिंकिंग एडवांस बाई कंडक्टिंग एस डब्ल्यू ओ टी इसको बोलते हैं मार्केट प्लानिंग यानी एस डब्ल्यू ओ टी एनालिसिस प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इसका के, इसका जो की, आ, कीवर्ड है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट सामान को बनाया जाता है डिजाइन किया जाता है टेंजिबल्स को डेवलपमेंट किया जाता है क्लास एप्लीकेशन को और इंटेंजिबल्स को अगला स्टर्डाइजन ग्रेडिंग स्टर्डाइजन का मतलब क्या है क्लास की जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी क्या हो?

कस्टमर सपोर्ट सर्विस मतलब सेल्स के बाद बाद की जो सर्विस सर्विस दी दी जाती जाती है है सामान सेल हो गया उसके बाद भी कस्टमर बार बार आपके पास आए फिर अगला सबसे क्रूशियल एलिमेंट ये बहुत क्रूशियल है दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे प्राइस सेट किया जाता है जो सबसे क्रूशियल है फिर है प्रमोशन एंड सेलिंग सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है देन आता है क्लास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट एट राइट टाइम राइट प्लेस ठीक है सही जगह पे क्लास सही क्वालिटी का सामान अवेलेबल हो उसके लिए क्लास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीच में कितने लोग रहेंगे कितने मिडिल मैन रहेंगे बीच में जो प्लेस गैप है ना Uh, मतलब बेसिकली जो यहाँ से वहाँ तक सामान पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा उसको दूर, दूर करता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टेशन इसमें क्लास आता है फिजिकल मूवमेंट की किस तरीके से कौन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से हम लोग सामान को भेजेंगे और लास्ट है क्लास स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग किस तरीके से क्लास सप्लाई करेंगे जब डिमांड अराइज होगा तो जब प्रोडक्ट की डिमांड होगी तब सप्लाई करेंगे उसके लिए स्टोर करना पड़ेगा कोल्ड स्टोरेज में वेयर हाउस में रखना पड़ेगा ये बारह के बारह के आए क्लास फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है ठीक है नाउ अपनी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो मार्केटिंग टूल्स का यूज करती है उसको बोलते हैं क्लास मार्केटिंग मिक्स इसके चार एलिमेंट है फोर पीज बोलते हैं मैं कार्थी ने दिया था इसको फोर पी पहला पी फॉर प्लेस प्रोडक्ट प्राइस और प्रमोशन फोर पीज है अब यहां से केस स्टडी कैसे आता है

एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच जनरेट रेवेन्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखना जो रेवेन्यू जनरेट करता है उसको बोलते हैं प्राइस मिक्स तो ये फोर पीज़ है मार्केटिंग मिक्स के सबसे पहला प्रोडक्ट मिक्स इट रेफर्स टू ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट प्राइस मिक्स क्या है इट रेफर्स टू ऑल दी इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्राइस प्लेस मिक्स इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स तो जो मिक्स है उसका नाम लगा देना डिसीजन के बाद इट रेफर्स टू ऑल देंट डिसीसिजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट और इसके अंदर तीन चीजें आती हैं क्लास ब्रांडिंग पैकेजिंग और लेबलिंग ये है लेबल यह है क्लास पैकेजिंग और यह क्या है क्लास यहां पे ब्रांडिंग ब्रांडिंग बेसिकली क्या एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है प्रोडक्ट का जिससे क्लास उसको पहचान सकते हो एक पहचान मिलती है उस ब्रांड नेम से और उससे क्लास हम प्रोडक्ट का एडवर्टाइज भी कर सकते हैं आसानी से कोई नया प्रोडक्ट भी उस ब्रांड नेम से लॉन्च कर सकते हैं ब्रांड नेम क्या है डिटॉल सर्फ नाइक ये सब क्या है क्लास ब्रांड नेम है द ब्रांड का वो नाम जो बोला जा सकता है ब्रांड मार्क विच विच क्लास कैन नॉट बी अटर्ड यानी कैन नॉट बी स्पोकन जिसको आप बोल नहीं सकते उसको बोलते हैं क्लास ब्रांड मार्क जैसे मर्सिडीज का लोगो हो गया वो ब्रांड मार्क हो गया बाकी नाइक टाइड ये सब क्या हो गया क्लास ब्रांड नेम हो गया ट्रेडमार्क जब किसी ब्रांड नेम को एक लीगल प्रोटेक्शन दे दी जाती है इज कॉल्ड ट्रेडमार्क कोई कॉपी नहीं कर सकता कि ये आपका है लीगल प्रोटेक्शन टू अ ब्रांड नेम इज कॉल्ड ट्रेडमार्क ब्रांड नेम को सिलेक्ट करने से पहले कुछ कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जैसे ब्रांड नेम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए लाइक रिनलक्स डिटॉल टाइड ब्रांड नेम शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस आप आसानी से बोल सकते हो उसको शाया नहीं लगेगा बोलने में उसका नाम मतलब खुल के ले ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव इन नेचर एग्जाम्पल उजाला चार बूंदों वाला एक ब्राइटनेस को शो करता है हाजमोला डाइजेशन गुड डाइजेशन को शो करता है हेयर एंड केयर बालों की के अच्छी केयर हो रही है उसको शो करता है द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक यूनिक होना चाहिए डिस्टिंगटिव होना चाहिए एरियल टाइट जैसा ब्रांड नेम को जब आप सेलेक्ट करो तो उसकी अलग अलग लैंग्वेजेस में उस भाषा का अलग अलग लैंग्वेज में उसकी मीनिंग को जरूर सर्च कर लो क्लास ऐसा ना हो किसी कंट्री में उस मीनिंग का कुछ और हो आप ब्रांड नेम बाद में चेंज नहीं कर पाओगे तो हर कंट्री में उस जो भी ब्रांड नेम रख रहे हो लाइक एरियल है तो उसका मीनिंग होना चाहिए वो हर कंट्री में आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट है पैकेजिंग प्रोडक्ट कभी भी पैकेट पैकेजिंग फॉर्म में ही डिलीवर होता है देखो टूथपेस्ट को ट्यूब में डाला, दिस प्राइमरी पैकेजिंग ट्यूब को फिर ये तीन पैकेजिंग के लेवल है ध्यान रखना लेवल्स ऑफ पैकेजिंग में प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन तो पैकेजिंग का मतलब क्या है डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर रैपर कार्टन ऑफ अ प्रोडक्ट एग्जाम्पल कोकम इन टू अ बॉटल सॉल्ट कम्स इन पैकेट ऑयल जो है टीन में या जार में आता है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग पैकेजिंग सबसे पहला का मेन काम क्या है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन पैकेजिंग सबसे पहली जो चीज करता है वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है पैकेजिंग ऐसी होती है कि दूर से देखकर क्लास आप पहचान जाओ कॉलगेट का जो क्लास ये ट्यूब होता है उसको दूर से देखकर आप पहचान जाओगे है ना कि भाई ये पैकेजिंग है कन्वीनियंस है पैकेट पैकेट में रहता है तो उसको कैरी करना पिक करना बड़ा आसान होता है क्लास जैसे बोतल्स आती है ना पेट बोटल्स कोला वगैरह के आराम से उठा सकते हो आप लेके चल सकते हो मूव कर सकते हो प्रमोशन पैकेजिंग एट्रैक्टिव होगा ना तो वो क्लास खुद सेल्स को इंक्रीज करेगा पैकेजिंग को हम लोग साइलेंट सेल्समैन भी मानते हैं राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन पैकेजिंग क्लास स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ Uh, मतलब सैनिटेशन को बढ़ावा देता है जैसे अगर पैकेट फूड है तो मक्खियाँ नहीं बैठी इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आया तो क्लास सेफ रहता है चिप्स आते हैं कुरकुरे आते हैं वो सब पैकेट फॉर्म में रहता है गैस के साथ ताकि वो बाहर डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में ना आए और सी ले ना खराब ना हो तो हमने देखा होगा आप चिप्स वगैरह खोल के रख दो ना तो कुछ दिन में खराब हो जाते हैं सेल्फ सर्विस आउटलेट भी पैकेजिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया है आप जितने डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो लायंस फ्रेशंस फ्रेश हो गया फिर क्लास आप इजी डे हो गया अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो ग्रोसरी स्टोर में तो वहां देखते हो सारी चीज पैकेट फॉर्म में रहती है तो आप आराम से उठाते हो और रख लेते हो तो ही खत्म उठाया रख लिया हर किसी का पैकेट बना हुआ है आप खुद ही सेल्फ पिक करते हो खुद ही कार्ड में रखते हो चेकआउट करा के लेके घर चले जाते हो चीजें कितनी सिंपल हो गई है वो पैकेजिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है लेबलिंग की बात करें लेबलिंग मीन पुटिंग ज इट प्रोवाइड ने प्रोडक्ट सारी मैन्युफैक्चर कंटेंट एक्सपायरी बैच नंबर एम आर पी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर लिखी गई ना दिस इज कॉल्ड क्लास लेबलिंग लेबलिंग का फंक्शन क्या होता है सबसे पहला काम लेबलिंग का है लेबलिंग प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है लेबलिंग प्रोडक्ट के बारे में बताएगा उसके कंटेंट के बारे में बताएगा कि प्रोडक्ट क्या है उसका कंटेंट क्या क्या है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं इवन लेबल आइडेंटिफाई भी करता है डेरी मिल्क का जो लेबल लगा होता है ना पूरा का पूरा आप देखना दूर से देख के बार लेबल देख के पहचान लोगे आप labeling class product को grading करने में मदद करता है bond की चाय जो आती येलो लेवल रेड लेवल लेबलिंग सेल्स को भी प्रमोट करता है क्लास लेबलिंग के ऊपर एड डाला जाता है 50 परसेंट एक्स्ट्रा 20 परसेंट एक्स्ट्रा तो सेल्स कोस uh, मतलब, uh, करेगा और जो भी लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है लॉ रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है क्लास उसको भी लेबलिंग देने में हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ अगला है प्राइस मिक्स इट रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी प्राइस सेट करने का ध्यान रखना क्लास कि प्राइस कैसे सेट करे प्राइस मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट है नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च विदाउट अ प्राइस टैग ध्यान रखना बिना प्राइस टैग के कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होगा और एटलीस्ट सम गाइडलाइंस फॉर प्राइसिंग प्राइसिंग इज ऑफन यूज एज अ रेगुलेटर ऑफ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट कितनी डिमांड होगी ये प्राइस पर डिपेंड करता है जनरली डिमांड को बढ़ाने के लिए प्राइस को कम किया जाता है ठीक है ध्यान ध्यान रखना, रखना, एक price को जो है है माना जाता है, effective competitive weapon. तो ये ध्यान रखना, किसको माना जाता है क्लास प्राइसिंग को अब किसी भी कमोडिटी का प्राइस आप सेट करोगे तो कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक सबसे पहला है class, factors affecting. प्राइस ऑफ प्राइसिंग ऑफ अ कमोडिटी में सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट हाई तो प्राइस हाई कॉस्ट कम प्राइस कम एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन कंपटीशन ज़्यादा है तो प्राइस कम रखो कंपटीशन कम है तो आप अकेले हो प्राइस ज़्यादा रख सकते हो कस्टमर की डिमांड और यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है ज़्यादा चाहिए कस्टमर को डिमांड बहुत कर रहा है प्राइस हाई रखो लोग लेंगे और डिमांड कम यूटिलिटी कम तो प्राइस कम गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन है कि, कि किसी सामान का प्राइस आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते सरकार उसको रेगुलेट करती है तो उसका प्राइस आपको कम ही रखना है मार्केटिंग मेथड यूज अगर आप क्लास हैवी खर्चा कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट पे तो क्लास आप ऑब्वियसली प्राइस ज्यादा चार्ज करोगे अदरवाइज कम प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आप क्या चाहते हो सेल्स बढ़े या प्रॉफिट बढ़े सेल्स बढ़े अगर आप चाहते हो तो प्राइस को रखो कम प्रॉफिट बढ़े अगर आप चाहते हो तो प्राइस को रखो ज्यादा अगला क्लास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस मिक्स कंज्यूमर यहाँ बैठा हुआ है प्रोड्यूसर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक कैसे ये जो प्लेस का बैरियर है इसे कैसे खत्म करेंगे दिस इज कॉल्ड प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इट रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन related to physical distribution of a product, the decision is related to channel of distribution and physical movement of good. Channel of distribution refers to people or middleman who help in distributing the good. ध्यान रखना, nah, channel of distribution मतलब बीच में कितने लोग हैं ये agent है, फिर wholesaler है, फिर retailer है, फिर consumer है। तो सामान ऐसे 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 यहाँ तक पहुँचता है। और आज अगर रिटेलर ना होता या जो मिडिल मैन ना होता तो हमें कितनी दिक्कत तो होती है आज हम एक ही दुकान से सारा सामान खरीद लेते हैं नहीं तो तब हमें करना पड़ता हर दुकान के होल के पास जाना पड़ता अगर एक चीज़ खरीदने एक के होल के पास जाओ दूसरे होल के पास जाओ आज आप एक ही दुकान में जाते हो सारी चीज़ें ले लेते हो तो ये एक अच्छी चीज़ है फिजिकल अब मिडिल मैन का होना टाइप्स ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग टाइप का होता है सबसे पहले जीरो कंज्यूमर तो तक देती है जीरो लेवल, बीच में कोई नहीं है सामान सस्ता भी पड़ता है बिकॉज बीच में लोग नहीं है तो मार्जिन भी लोगों का नहीं है तो हियर प्रोडक्ट डायरेक्टली डिलीवर्ड बाई प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर सेल्स कैन भी थ्रू इंटरनेट टेलीशॉपिंग है ना टीवी में आता ना टेलीशॉपिंग और इसके अलावा क्लास थ्रू ईमेल ऑर्डर हाउस

कंट्री के कोने-कोने तक जब पहुंचना हो ना तब क्लास हर एक जगह एक एजेंट होता है फिर वहां से होलसेलर रिटेलर फिर कंज्यूमर इस तरीके से पहुंचता है डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ए कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के चार कंपोनेंट है सबसे पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग ध्यान रखना पड़ेगा आपको कितनी जल्दी आपका ऑर्डर प्रोसेस हो ट्रांसपोर्टेशन जहां भी रहता है वहां पे क्लास आपको सामान पहुंचाना पड़ेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट वेयर मतलब एक को स्टोर करना पड़ेगा आपको ये भी ध्यान है कि स्टोरेज कौस्ट कौस्ट से नहीं होनी चाहिए क्लास इन्वेंट्री मेंटेन करना है दिल्ली में देखो क्लास छोटी छोटी दुकानें रहती है उनका माल क्लास कहीं और रहता है तो आप अपने दुकान में पैसा फंसा के रख रहे हो दुकान में दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री तो ये चार के चार है डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या कॉम्पोनेट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्री पी हो गया फोर्थ पी है क्लास हमारा आखिरी प्रमोशन मिक्स इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रमोशन के अंदर आता है कि कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया आप सिलेक्ट करोगे प्रमोशन टेक्निक कौन सा आप सेलेक्ट करोगे पब्लिसिटी मेजर कौन कौन सा यूज़ करोगे और पब्लिक रिलेशन ये चारों चीजें क्लास आती हैं प्रमोशन मिक्स के अंदर आपने अलग अलग शोज पे क्लास एक्टर एक्ट्रेस को आते मूवीज में अलग अलग सीरियल्स के अंदर देखा होगा तो ये अपनी मूवी का प्रमोट करने आते हैं समझ रहे हो अलग अलग ये मैच में आते हैं आपकी अदालत में आते हैं अलग अलग जी एक्टर्स आते हैं क्लास अपनी मूवीज का प्रमोशन करने के लिए कपिल शर्मा के शो में तो आपने सबसे ज़्यादा देखा ही होगा

ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है जो बेसिकली शॉर्ट टर्म में सेल्स को इनहेंस करने के लिए होता है इमीडिएट सेल्स बाय वन गेट वन फ्री लाइक पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो कस्टमर को परस्यूव करने के लिए फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है कन्वेंसिंग पावर बहुत ज्यादा इसके अंदर होती है और मैसेज को कस्टमर के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो पब्लिक रिलेशन ध्यान रखना ये कैसे पहचानोगे कंपनी अपनी गुडविल बनाने के लिए कंपनी अपनी इमेज को सुधारने के लिए ब्रिंग बैक द रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ कंपनी उसके लिए क्लास कंपनी क्या करती है पब्लिक रिलेशन अब आते हैं क्लास डीपली पढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट का आपने टीवी पे इतने सारे ऐड देखे होंगे इवन क्लास आप जो यूट्यूब वीडियोस देखते हो वहाँ पे भी आता होगा स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड जिसको आप स्किप करते हो तो एडवर्टाइजिंग है क्या डिफाइन एज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल पर्सनली कोई आपसे नहीं कहता है क्लास एक कॉमन कॉमन मैसेज सर्कुलेट होता है किसी गुड्स का आइडिया का प्रमोशन करने के लिए बाई एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर किसी भी कंपनी द्वारा तो अगर आप देखोगे मेरिट क्या है एक तो सबसे पहले रीच बढ़ जाता है अगर आप ऐड कराते हो तो उससे क्या होता है रीच बढ़ जाता है देखो ये देखो ये सब ऐड हो रहा है वीवो ओप्पो का ऐड हो रहा है भले ही वो चल रहा है कि चाइना को भगाओ ये सब चीज़ चल रही है लेकिन चाइना का ऐड भी चल रहा है प्रोडक्ट का चाइनीज़ प्रोडक्ट का तो बेनिफिट क्या है क्लास की रीच एडवर्टाइजिंग से आप बहुत दूर कोने कोने तक पहुंच सकते हो चॉइस बहुत सारी है कैसे ऐड करना लेजिटिमेसी ये लोग भरोसा करते हैं कि यार टीवी वी पर ऐड आ रहा है तो अच्छा होगा इकोनॉमी है सस्ता पड़ता है क्लास आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हो क्लास तो पर पर्सन की कॉस्ट बहुत लो रहती है कन्वर्जन भले ही कम है लेकिन पर पर्सन पहुँचने का जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम है इनहेंस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन और टी वी अगर आप देखते हो ऐड आता है बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस ऐड कर रहे होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कस्टमर सेटिस्फाई रहता है सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू ऑल दी प्रमोशन टेक्निक विच द कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट किसी भी से स्क्रैच एंड विन हो गया टूथपेस्ट के साथ क्लास टूथब्रश फ्री हो गया मग फ्री हो गया बॉनविटा के साथ ये सब सेल प्रमोशन है जो शॉर्ट टर्म में सेल्स को इनहेंस करने के लिए क्लास कंपनी करती है इससे ज्यादा सेल्स प्रमोशन में नहीं आया कुछ भी पर्सनल सेलिंग इसके फीचर्स क्या है पर्सनल इंट्रैक्शन बंदा आपके घर पे आएगा पर्सनली क्लास आपसे बातचीत करेगा आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो टू वे कम्युनिकेशन है पर्सनल सेलिंग में रेस्पॉस बेटर मिलता है अब टी वी पर आडाते हैं तो आप हटा देते हो दूसरे चैनल पहुँच जाते हो यूट्यूब पर स्किप कर लग जाते हो बट घर में कोई बंदा अगर आएगा तो कहीं ना कहीं आप रेस्पॉन्स अच्छा दोगे उसको और एक अच्छा संबंध बन जाता है रिलेशनशिप बन जाते हैं क्लास बात करते करते समझ आता है ये बंदा सामान बेच रहा है वो अच्छा है और क्लास वहाँ पर कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है मतलब आप घर पर आके सामान बेचेगा ना दस में से छः सात लोगों से हमार करवा लेगा टी वी में लाखों लोग ऐड देखेंगे शायद एक भी ना खरीदे ठीक है तो कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है पर्सन सेलिंग के अंदर डिफरेंस है एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का फॉर्म की बात करें इम परसनल है और ये नाम से पता पड़ रहा है पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है फ्लेक्सिबिलिटी एवरटाइजिंग में मैसेज फ्लेक्सिबल नहीं होता एक स्टैंडर्ड मैसेज होता है जो सबके पास पहुंचता है और फ्लेक्सिबल मैसेज फ्लेक्सिबल होता है इसके अंदर पर्सनल सेलिंग के अंदर मैसेज को आप कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच जाता है जल्दी जबकि पर्सनल सेलिंग में आप ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच सकते कॉस्ट की बात करें पर पर्सन कॉस्ट जो है वो बहुत कम है क्योंकि बहुत मान लो दस करोड़ भी लगे तो वो एक करोड़ लोगों तक पहुँच गया प्रचार तो एक दस रुपये खर्चा मान लो क्लास पर पर्सन आया लेकिन पर्सन सेलिंग में कॉस्ट पर पर्सन जो है वो हाई है यहाँ पे क्लास पर पर्सन की जो कॉस्ट है ना वो बहुत हाई है बिकॉज आप लिमिटेड नंबर तक पहुँच पाते हो लिमिटेड लोगों तक पहुँच पाते हो कवरेज की बात करें एडवर्टाइजिंग से बहुत शॉर्ट टाइम में पूरा मार्केट कवर कर लोगे लेकिन पर्सन सेलिंग से क्लास मार्केट को कवर करना बड़ा मुश्किल है यूज़ ऑफ मास मीडिया टीवी न्यूज़पेपर रेडियो इन सबसे क्लास पहुंचते हैं लेकिन यहाँ पे क्लास कोई मास मीडिया का यूज नहीं होता इंसान खुद घर जाता है फीडबैक यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं मिले क्लास लेकिन यहाँ पे घर तुम्हारे गया है सेल्समैन तो तुमसे फीडबैक ले लेगा कि आप क्यों नहीं खरीद रहे क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम प्रोडक्ट में यूजफुल ये चीज़ यूजफुल है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए लेकिन जो कस्टमाइज प्रोडक्ट है ना बड़ी बड़ी मशीनरी या फिर जो आप कस्टम अपने तरीके से बनवाते हो अपने तरीके से यूज़ करते हो एप्लीकेशन हो गया इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई तो ये सब के लिए क्या है क्लास आपका इन सब चीज़ों के लिए है आपका पर्सनल सेलिंग अगला क्लास पब्लिक रिलेशन देखो कई बार क्या होता है कंपनी का जब नाम खराब हो रहा होता है तो कंपनी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स एग्जीक्यूटिव ओनर्स डायरेक्टर्स मार्केट में आते हैं और और कंपनी का नाम जो खराब हुआ उसको सुधारने की कोशिश करते हैं तो पब्लिक रिलेशन को हम लोग फिफ्थ पी मानते हैं इट मीन्स मेंटेनिंग रिलेशन विद द पब्लिक यहाँ पब्लिक का मतलब सिर्फ कस्टमर नहीं है पब्लिक का मतलब कस्टमर भी है आपके एम्प्लॉय भी है ऑल अदर पीपल इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ना वो सबके सब जो है उनके साथ रिलेशन बनाना अच्छे रिलेशन अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सप्लायर रिलेटेड रिटेलर्स ब्रोकर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते वही आपकी बुराई करेंगे तो कौन खरीदेगा फिर सामान आपका अगर मैं सैमसंग कंपनी में काम करता हूँ और कल को मैं आपको बोलूँ कि यार सैमसंग का प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं मैं देखता हूँ ना कैसे बनता है तो शायद आप मेरी बात पर भरोसा कर लोगे और बोलो ना यार बहुत अच्छा बनाती है फोन हम तो बनाते हैं भाई हमने खुद देखा है तो शायद आप सेल्स बढ़ जाएगी तो कंपनी के एम्प्लॉई रिटेलर आप किसी दुकान पे गए दुकानदार ने बोला अरे नहीं यार ये वाले जूते नहीं चल रहे आजकल इस ब्रांड के चल रहे हैं तो शायद आप मान जाओ बहुत सारे लोग मान जाएंगे तो इसका मतलब वो खुश नहीं है आपसे आपका माल बिक नहीं रहा वो किसी और के माल को रेफर कर रहा है तो आपको इन सबको सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन और जिसको बनाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है क्लास रतन टाटा जी बैठे हुए हैं क्लास यहाँ पे मोहन राम जी के साथ फिर ये नीता माने का क्लास स्कूल्स हैं इनके बहुत सारे अनाथाल स्कूल डिफरेंट टाइप ऑफ काम ये करते हैं सोसाइटी के लिए सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए एडवांसमेंट के लिए तो किस किस तरीके से आप पब्लिक के सामने अच्छा इमेज अच्छी क्लास बना सकते हो वेज और मेथड एंड टूल्स इन पब्लिक रिलेशन तो सबसे पहला है क्लास न्यूज अगर आप न्यूज में बने रहते हो अगर आप आपको न्यूज़ वाले अच्छी कवरेज में अच्छा दिखाते हैं कि यार इतना डोनेशन दिया चैरिटी दिया अच्छा दिखाते हैं तो आपका नाम का ब्रांड होता है टाटा पे लोग इतना भरोसा करते हैं आप टाटा प्रोडक्ट जैसे ही आप पढ़ते हो ना आपको लगता है हाँ यार ये बड़ा अच्छा होगा तो इसके लिए क्लास बहुत काम किया रतन टाटा जी ने जिसकी वजह से क्लास आज टाटा का प्रोडक्ट बहुत भरोसेमंद माना जाता है स्पीचेस अलग अलग जगह स्कूल में कॉलेज में जाते हो गैदरिंग्स में जाते हो क्लास वहाँ पे स्पीच देते हो आपकी स्पीच से लोग प्रभावित होते हैं और आपकी कंपनी का नाम होता है अलग अलग इवेंट्स में रिटन मटेरियल आप क्लास न्यूज़पेपर में कोई

अप्रोक्सीमेटली uh, पंद्रह नंबर का है कंज्यूमर प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों मिला के फिफ्टीन मार्क्स का ध्यान रखना कंज्यूमर प्रोडक्शन क्या है क्लास सिंपल सी बात है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही क्या है क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर को मार्केट में किंग कहा जाता है ना कंज्यूमर राजा है कंज्यूमर को लोग भगवान मानते हैं तो क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि क्लास वो अगर सौ रुपए खर्च कर रहा है तो उसे सौ रुपए की वैल्यू मिले अर्लियर अप्रोच कैवेट पहले क्या होता था क्लास, Caveat कैवेट एम्पिटर विच let लेट buyer beware. कैवेट emptor, ध्यान रखना लॉ का वर्ड है लेट द बायर बी वर्ड हैज नाउ बीन चेंज टू दैवेट वेनेटर लेट द सेलर बीवेर भाई सेलर को सावधान रहना है बायर को सावधान तो रहना ही रहना है लेकिन आजकल कहते हैं भाई सेलर को सावधान रहना है क्यों अगर एक सेलर कस्टमर को नुकसान करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान लॉन्ग टर्म में उस सेलर का ही होगा तुम्हारा ही नुकसान है कितनी बार काट लोगे कस्टमर को एक बार दो बार कस्टमर आपका नाम नहीं लेगा हर जगह बोलेगा इसकी दुकान सामान मत लेना ये गंदा सामान बेचता है गलत रिव्यू देगा कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा फिर तो एज अ सेलर भी आपको अवेयर रहना है कि आपकी छवि मार्केट में खराब ना हो क्यों कंज्यूमर को प्रोडक्ट करने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहला है क्लास कंज्यूमर इग्नोरेंस कंज्यूमर वाइड स्प्रेड एक्सप्लेन ऑफ कंज्यूमर कंज्यूमर इग्नोरेंस है उसका नुकसान होता है उसे कुछ पता ही नहीं क्या करना कहता है छोड़ना मरने दो ने लूट लिया कोई बात नहीं कौन सा हमारी किस्मत ले गया अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं हमारी कंट्री में बहुत मतलब सॉरी है नहीं कह रहा हूँ बहुत कम है जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है ना वो कंज्यूमर को दुकानें गली गली में है लेकिन शोषण होता है तो कंज्यूमर कहीं जा नहीं सकता कोई ऑर्गेनाइज कंज्यूमर है नहीं और जो एक्सप्लोडेशन होता है हमारे यहाँ बहुत वाइड स्प्रेड होता है जैसे गलत वजन दे देना है ना दस किलो की जगह आठ किलो ही देना नौ किलो ही देना और इसके अलावा सामान में मिलावट कर देना खराब सामान दे देना लो क्वालिटी का सामान दे देना जबरदस्ती महंगे दाम पे सामान बेचना एमआरपी से ऊपर रेट पे सामान बेचना होता है बहुत होता है ये सब की वजह से क्लास कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है और अगर मैं बोलूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया बिकॉज कंज्यूमर को पता नहीं है कंज्यूमर uh, ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है और शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है इसीलिए कंज्यूमर का अप्रोच है कि भाई सरकार को बोलो कि हमें प्रोटेक्ट करें लेकिन सरकार कहती है कि भाई बिजनेसमैन से तुमको खुद प्रोटेक्ट करना चाहिए क्यों लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस अगर तुम चाहते हो लंबे समय तक तुम्हारा बिजनेस फायदे में रहे भाई आज तुम गलत सामान दे दोगे तो दोबारा कस्टमर आएगा वो कस्टमर तो कभी नहीं आएगा वो आसपास के दस लोगों को और बोलेगा मत जाना बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज भैया तुम समाज के रिसोर्सेज को यूज करते हो लैंड लेबर कैपिटल लॉन्टरप्रनरशिप तुम सोसाइटी का लेते हो और सोसाइटी को ही तुम गलत सामान दोगे तो ये तो पाप है पाप ये तो गलत बात है मोरल जस्टिफिकेशन मोरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपने देश के लोगों की सेवा करनी चाहिए और अगर आप सरकार से भी चाहते हो सरकार तुम्हारे बिजनेस में टांग ना अड़ाए तो भैया तुम्हें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है नहीं तो क्लास सरकार टांग अड़ाएगी तुम्हारा बिजनेस बंद तक भी हो सकता है फाइन पेनल्टी लगी बोला अच्छा कंज्यूमर कहते किसको है हु इज अ कंज्यूमर तो अ कंज्यूमर इज वन हु बाय बाय गुड्स एंड सर्विसेज और हायर सम वैल्यू देखो अगर आपने कुछ पैसे दिए हैं गुड्स को खरीदने के लिए सेवाओं को लेने के लिए तो आप कंज्यूमर हो एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज व्हिच अप्रूवल ऑफ बायर आप या फिर आपने पैसे नहीं दिए उसको यूज कर रहे हो लेकिन बायर के अप्रूवल से आप उसे यूज कर रहे हो बिना चोरी से यूज नहीं कर रहे है. चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो आप अपने जीवन व्यापन के लिए चीजें खरीद रहे हो अगर अगर आप रीसेल के लिए सामान खरीदते हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो आपने खुद खरीदा है अपने जीवन व्यापन के लिए उसको यूज कर रहे हो तो आप कंज्यूमर हो एक तो पैसा दिया होना चाहिए बायर के अप्रूवल से यूज होना चाहिए और अपने लिए यूज होना चाहिए तो ही आपको क्या बोला जाता है क्लास कंज्यूमर बोला जाएगा एक दुकानदार है उसने मुझे टीवी बेचा कंप्लेन मैं फाइल करूंगा मैं कंज्यूमर हूँ वो दुकानदार मेरे बिहाफ में कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है पशर मैंने बिल भी लिया होना चाहिए इनको नहीं मानते जिन्होंने रीसेल के लिए खरीदा है जो बिना बायर के अप्रूवल के सामान को यूज कर रहा है जो बिना ए, ये दोनों चीज सेम है ये गुड्स के लिए लिखा है सर्विसेज के लिए लिखा है सर्विसेज में हायर होता है गुड्स में बायर होता है हु ऑफ़ द बायर यहाँ पे अप्रूवल हो गया

सेलर और मैन्युफैक्चरर मस्ट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट और यूज ऑफ प्रोडक्ट इज वायलेटेड ये तब वायलेट होगा जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू कस्टमर और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज गिवन गलत इन्फॉर्मेशन दिया या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया या, या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो ये कौन से राइट का वायलेशन है राइट टू तो इफॉर्मेशन

तो आप कहाँ कंप्लेन फाइल करोगे मतलब कोई ना कोई रहना चाहिए जहाँ पे आप कंप्लेन फाइल करोगे उसको बोलते हैं राइट टू हर्ट कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट इट इज वॉयलेटेड व्हेन मार्केटर मेक्स नो अरेंजमेंट ऑफ फाइलिंग कंप्लेन मतलब आपने सामान खरीद लिया है लेकिन आप कंप्लेन फाइल कहाँ करोगे कुछ नहीं पता या फिर आपका कंप्लेन ही नहीं सुन रहा है तो ये राइट क्लास ट हो रहा है कहीं कही ना कहीं और राइट कब फॉलो होता है जब आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है मेल आईडी दी गई है कंप्लेन करने के लिए कोई मोबाइल नंबर दिया गया है कोई पोर्टल है कोई क्लास फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हो तो इसका मतलब इस राइट right का फॉलो हो रहा है तो राइट टू हर्ड का मतलब मेरे पास अधिकार है मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा इसको बोलते हैं राइट टू हर्ड और अगला क्लास राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर मैं केस जीत जाऊंगा तो सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कॉम्पनसेशन मिलना और हर्ड का मतलब कंप्लेन फाइल करना। तो के पास राइट right है कि वो कॉम्पनसेट कॉम्पनसेशन ले जो भी नुकसान उसको हुआ है गलत सामान की वजह से और क्या क्या ले सकता है ये भी सवाल आता है सबसे पहला प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा रिपेयर होगा कॉम्पनसेशन क्लास मिलेगा आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट से उठाया जाएगा है ना उस और कम बोला जाएगा कंपनी से कि आप ऐसा गलत प्रोडक्ट दोबारा मत लेके आओ और ऐसा गलत प्रोडक्ट का प्रचार जो है वो भी मार्केट में मत करो नोट मेन डिफरेंस बिटवीन राइट टू राइट टू हर्ड में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो ठीक है uh, और राइट टू रिड्रेसल में क्लास उसका नेक्स्ट स्टेप है जो कि आपको क्लास कंप्लेन का कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है रिफंड मिल रहा है तो वो राइट टू सीक रिड्रेसल है आपने कंप्लेन फाइल कर दी तो वो राइट टू हर्ड है लास्ट राइट राइट टू एजुकेशन राइट टू इंफॉर्मेशन में हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं भाई मैं इसको खरीद रहा हूँ इसके बारे में मुझे बताओ लेकिन राइट टू एजुकेशन में हम एजुकेट होने की बात करते हैं हम बात करते हैं जाओ ग्राहक जागो जैसे कैंपेन की हम बात करते हैं कि हमें बताओ हमारी राइट्स क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लोगों को उनके राइट right अधिकार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना उनकी किताब में सिलेबस में सब चीज डालना ये पार्ट क्लास राइट टू एजुकेशन का कंज्यूमर हैज़ राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट व्हाट आर हिज राइट जनरली एनजीओ गवर्नमेंट एजुकेट कंज्यूमर्स बाई गिविंग एडवर्टाइजमेंट टीवी टीवी पे मैगजीन पे न्यूज पे अलग अलग शोज में कॉन्फ्रेंस सेमिनार में वहां पे क्लास एक्टिविटी करके आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं ग्राहक जागो ये तुम्हारे पास राइट है अगर कोई गलत सामान देता है तो ये चीज करो तुम्हें भी सामान खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए आंख बंद करके सेलर की बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए कैश मेमो या बिल पक्का लेना चाहिए ये सब बातें क्लास आती है किसके अंदर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर अब कुछ रिस्पॉसिबिलिटी भी है कंज्यूमर की सिर्फ आपको ये नहीं मिला कि आपको अधिकार मिले भैया आपको भी कुछ जिम्मेदारियों का पालन करना है सबसे पहला तो यही है कि जो अधिकार मिले उसका पालन करो एग्जांपल सरकार ने आपको अधिकार दिया है कि धोखाधड़ी होती है आपके साथ तो कंप्लेन फाइल करो या तुम्हारा अधिकार है तो तुम इसको पालन करो तुम छोड़ो नहीं कि यार छोड़ना कौन कंप्लेन फाइल करेगा आजकल ऑनलाइन भी कंप्लेन फाइल हो जाते अब कंप्लेन फाइल करो तो कंज्यूमर कंज्यूमर मस्ट राइट पहली चीज कॉटियस सावधान रहो और ब्रांडली सेलर की बात है, मत करो, करो, आपको जो भी नुकसान हुआ है छोटा बड़ा जो भी नुकसान जेनविन ग्रीवेंसेस अगर है शिकायत अगर आपकी जेनुइन है तो आप कंप्लेन जरूर फाइल करो क्वालिटी कॉन्शियस रहो सस्ता मत देखो कि यार क्वालिटी मार्क्स वगैरह चेक करो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आई आई मार्क गोल्ड के लिए हॉल मार्क ये सब चेक करना पड़ेगा आपको आंख बंद करके इनकी एडवर्टाइजिंग मत जाओ टीवी पे जो ऐड आता है क्लास वो इनसेंसिबल होता है कोई मतलब नहीं होता उसका कि आ, कोई कुछ भी ऐड करा रहा है परफ्यूम का ऐड देखते हो शैम्पू का ऐड देखते हो सब बनावटी है सब झूठ है कुछ होता नहीं है बिलीव मत करो इंसिस्ट ऑन कैश मैमो बिल मांगो पक्का बिल मांगो और रेस्पेक्ट टू तो इन्वायरमेंट ऐसी कोई चीज मत खरीदो जो आप जानते हो इन्वायरमेंट को उससे डैमेज पहुंचेगा जैसे प्लास्टिक की पन्नी आप खुद मत खरीदो जो चीज़ बैन है वो खुद मत खरीदो आप ठीक है तो ये इन्वायरमेंट को रेस्पेक्ट कर सकते हो इससे आप, आप खरीदोगे नहीं दुकानदार बंद कर देगा रखना अच्छा अब अगर अगर क्लास तुमको नुकसान हो गया तो तुम कंप्लेन तो सबके अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है तो मैं बताता हूं कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है सबसे पहला क्लास डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन डिस्ट्रिक्ट फॉरम बोलते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक होता है प्रेसिडेंट

तो मिला के एक करोड़ से कम अप टू तो एक करोड़ तक का सारा कंप्लेन क्लास यहाँ पे फाइल किया जा सकता है एजेंसी आपके सामान को लेगी टेस्टिंग के लिए भेजेगी लैब में और लैब रिपोर्ट आने के बाद आपको क्लास बता देगी भाई किसी गलती है लेकिन अग्रीब पार्टी जिसका नुकसान हुआ है क्षति जिसका हुआ है अगर उससे सेटिसफाई नहीं है कि कोर्ट के डिसीजन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कोर्ट ने मेरे खिलाफ डिसीजन सुना दिया जबकि मेरा नुकसान हुआ है तो आपको मौका मिलता है कि आप विद इन फोर्टी डेज ध्यान रखना विद इन फोर्टी डेज आप अपने कंप्लेन को फाइल कर सकते हो क्लास स्टेट कमीशन के अंदर मतलब समान एक करोड़ तक का है तो पहले घुसोगे डिस्ट्रिक्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो क्लास आप 45 दिन के अंदर क्लास अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन में अब स्टेट कमीशन क्या है यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट है दो अदर मेंबर है और एक उसमें से वेमेन है प्रेसिडेंट जो है रिटायर और वर्किंग जज है हाई कोर्ट का वहाँ पे रिटायर और वर्किंग जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यहाँ पे रिटायर जज है क्लास हाई कोर्ट का अपॉइंटेड कौन करता है वहां भी स्टेट यहां भी स्टेट गवर्नमेंट लेकिन कंप्लेन एक करोड़ एक रुपए से लेकर दस करोड़ तक का है ध्यान रखना अप टू टेन करोड़ कैन बी फाइल और फिर ये आपके सामान को लेंगे लैब में भेजेंगे और फिर रिपोर्ट सुनाएंगे लेकिन आप अगर इनकी रिपोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो नेक्स्ट थर्टी डेज के अंदर क्लास आप नेशनल कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं लेकिन मेरा सामान सौ रुपए का था मैं डिस्ट्रिक्ट में गया सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मैं स्टेट में गया सेटिस्फेक्शन नहीं मिला फिर मैं नेशनल में जाऊंगा ठीक है नेशनल कमीशन यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट है और चार अदर मेंबर है जिसमें से एक वमेन होगी और यहाँ पे जो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे सामान एक्सीड्स दस करोड़ तो यहाँ पे अप टू टेन करोड़ था दस करोड़ तक यानी दस करोड़ भी आ जाएगा क्लास यहाँ पे लेकिन ये दस करोड़ से ज़्यादा ही आएगा दस करोड़ एक रुपए से लेकर यहाँ तो अगर मेरा सामान दस करोड़ से ऊपर का है तो मैं सीधा नेशनल में चला जाऊँगा लेकिन अगर मेरा सामान Uh, मतलब कि दस हजार का पचास हजार का है तो मैं डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा फिर स्टेट में जाऊंगा फिर नेशनल में आऊंगा समझ रहे फिर यहां हो फिर यहाँ भी कंप्लेन फाइल होगी जज आपके लैब में टेस्ट करवाएगा फिर आपको क्लास रिपोर्ट देगा अगर आप इस रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो जजमेंट सेटिस्फाई नहीं हो तो आप लास्ट है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो बट एक बात ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट तक अपील उन्हीं की जाएगी जिनके सामान दस करोड़ से ऊपर तक का हो मैं समझाता हूँ मेरा सामान है पचास हजार का मैं पहले स्टेट पहले जाऊँगा डिस्ट्रिक्ट में फिर स्टेट में फिर नेशनल में मैं नेशनल से आगे नहीं जा सकता यार ये क्या बात हुई कि डिस्ट्रिक्ट ने भी मुझे गलत डिसीजन दिया स्टेट ने भी गलत डिसीजन दिया नेशनल ने भी गलत डिसीजन दिया सब मेरे खिलाफ है मैं ही सही हूँ ऐसा तो नहीं हो सकता ना तो वहीं रुक जाना आपको लेकिन अगर आपका सामान कीमत मान लो दो करोड़ है तो आप जाओगे सीधा स्टेट में सेटिसफेक्शन नहीं मिला नेशनल में सेटिसफेक्शन नहीं मिला तो फिर घर जाओ कि ये सामान जो है वो दस करोड़ से कम का है सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हक हाँ सिर्फ उसी को है जिसके सामान्य कीमत दस करोड़ से ऊपर है और आपका सामान्य कीमत तो अगर दस बारह करोड़ है पंद्रह करोड़ है तो दस करोड़ से ऊपर है तो आप सीधे जाओगे नेशनल में और फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो कोई तो मौका होना चाहिए ना आपके पास दूसरा मौका तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे समझिए क्लास बात को अच्छा मार्क्स का पता रहना चाहिए क्लास आई एस आई मार्क बेसिकली होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर एगमार्क होता है एग्रीकल्चर और कमोडिटीज के लिए बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हॉल मार्क होता है गोल्ड ज्वेलरी पे उल मार्क होता है हंड्रेड परसेंट वलन के ऊपर इको मार्क होता है क्लास की आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है एपियो मार्क बेसिकली क्लास सर्टिफिकेशन मार्क है फॉर प्रोसेस फूड इंडस्ट्री टू इंश्योर प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन इज मेंटेन बाई द इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मैनुफैक्चरिंग होटल रेस्टोरेंट्स को जहाँ पे खाना बनता है क्लास उनकी क्लास एफ एस एस आई लेना पड़ता है फूड सेफ्टी के लिए तो ये मार्क्स हैं कुछ जिनको आपने ध्यान रखना है और इन मार्क्स से भी एक नंबर का मे बी क्वेश्चन क्लास पूछ ले जाए ये सेफ्टी मार्क्स है ये क्वालिटी मार्क्स है तो जो आप प्रोडक्ट खरीदो ना तो उसमें ये मार्क देखा करो भले ये सामान दस रुपए महंगा हो लेकिन अगर क्वालिटी मार्क्स है ना तो एक क्वालिटी का एश्योरेंस है आप बार बार रोगे नहीं तो अच्छा क्वालिटी वाला सामान लोगे तो फिर आप लंबा चलोगे हु कैन फाइल कंप्लेन सीधी सी बात है कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है कंज्यूमर ही तो आ, इस पूरे चैप्टर का मेन किरदार है तो कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कोई अगर रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेन फाइल कर सकती कर सकती है एक कंज्यूमर हज़ारों लाखों कंज्यूमर के बिहाफ़ में कंप्लेन फाइल कर सकता है हज़ारों लाखों कंज्यूमर के साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है चीट हुआ है तो सब लोग में से एक मिलके सबके बिहार में साइन करा के कंप्लेन फाइल कर सकता है लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज कंज्यूमर जिसकी डेथ हो गई है उसका जो वारिस है वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है ये सारा रीसेलर नहीं कर सकता कंप्लेन फाइल और उसने फ्री में सामान खरीदा है बिना बायर के अप्रूवल के उसको यूज़ करता है वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता तो कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल है दिल्ली में वॉइस है कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता के अंदर है कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया मुंबई ग्राहक पंचायत ये सब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है तो कल को तुम्हें तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड होता है तुम इनमें से किसी भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास या ऐसे और भी हैं तुम्हारे आसपास होंगे वहाँ जाके क्लास अपनी बात रख सकते हो तो ये लोग तुम्हारे बिहाफ में कंप्लेन फाइल करेंगे लीगल सपोर्ट देंगे बड़ी बड़ी कंपनियों से तुम्हारे बिहाफ में ये लोग लड़ेंगे लास्ट टॉपिक रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इनका रोल क्या है क्या काम करते हैं सबसे पहला एजुकेट करते हैं लोगों को आम जनता को जनरल पब्लिक को कॉन्फ्रेंस अरेंज करके सेमिनार अरेंज करके वर्कशॉप अरेंज करके लोगों को एजुकेट करते हैं उनको बताते हैं भाई तुम्हारा ये राइट है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीड़डिकल्स लॉन्च करते हैं मैगज़ीन वगैरह में क्लास अपने अपने पब्लिकेशन के अंदर छापते हैं आपको कैसे आपको बचना है फ्रॉडलैंड एक्टिविटी से कम टेस्ट अलग अलग जगह जाते हैं रैंडमली प्रोडक्ट को लेते हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं कोई कुछ गलत सामान तो नहीं मिला रहा गलत सामान तो नहीं बेच रहा है ना वो सब ये करते हैं एनकरेज करते हैं लोगों को कि भाई प्रोटेस्ट करो भाई अगर कोई गलत कर रहा है चुप मत बैठो भैया प्रोटेस्ट करो बोलो खुल के आके बोलो तभी डरेगा वो चुप बैठोगे तो फिर वो नहीं डरेगा उसका हिम्मत तो और बढ़ जाएगा लीगल असिस्टेंस देते हैं कंज्यूमर को भाई वे ऑफ प्रोवाइडिंग एड लीगल एडवाइस तो कोई भी लीगल रेमेडी है अभी मैं मान लो कंज्यूमर हूँ मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो भाई मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा बड़ी बड़ी कंपनियों का तो मैं इनके पास जाऊंगा तो ये मुझे लीगल रेमेडी देंगे इनके पास लीगल टीम होता तो है ये मेरी हेल्प करेंगे ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेश्स होती है जो बनी ही ग्राहकों को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं फिलिंग कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर हमारे बिहाफ में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं हमने पढ़ा भी था और केसेस को क्लास फाइल करेंगे कंज्यूमर कोर्ट में और आम जनता के इंटरेस्ट के लिए अगर मान लो ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं आम जनता के लिए जो गांव में आम जनता रह रहे हैं अगर सबका शोषण हो रहा है ना सबके बिहार में जाते हैं कंप्लेन फाइल करेंगे बाकी ये मोटिवेट करते हैं लोगों को कि भाई आप क्वालिटी मार्क्स जो है वो मांगो क्वालिटी मार्क्स वाला प्रोडक्ट भले ही थोड़ा महंगा हो लेकिन अगर क्वालिटी मार्क्स का एश्योरेंस है तो आप वही खरीदो उससे क्लास प्रोडक्ट भरोसा रहता है कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है और आगे आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा ये रोल है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि भाई आपके बिहार में कंप्लेन फाइल कर सकता है हजारों लाखों विलेजर के बिहार में कंप्लेन फाइल कर सकता है टेस्टिंग करता है क्लास प्रोडक्ट की और आपको लीगल हेल्प देता है ये सारे चीज़ क्लास आप लिख सकते हो अगर तीन चार मैक्सिमम आता है तो काफ़ी सारे मैंने बता दिए आउट ऑफ दिस थ्री फोर आप अपने फेवरेट बना लो उसको अच्छे से लर्न कर लो फाइनली कितनी बार हमने रिवीजन किया और एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन पहले सारा रिवीजन कर लिया आप परसों सुबह एग्जामिनेशन जस्ट पहले भी मैं तुम्हें कंप्लीट सिलेबस का एक बार क्विक रिकैप कराऊंगा जितनी बार रिवीजन करो ना दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें बस आपको थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करना है एस ऐप सी जो मॉक टेस्ट है उनको जरूर जरूर जरूर, जरूर बनाना है प्रैक्टिस ज़रूरी है एलीस्ट तीन पेपर आपको बनाना ही बनाना है तीन नहीं बना पाते दो बनाओ दो नहीं तो एक बट एक सीरियसली आप बनाओ उसको ठीक है बाकी मिलते हैं क्लास कल हम और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे हमें ये पूरा का पूरा सिलेबस आज आज रात को किसी भी तरह खत्म करना है बहुत मेहनत लग रही है क्लास नीड योर सपोर्ट बैडली नीड योर सपोर्ट प्लीज़ शेयर करो वीडियो को लाइक करो कॉमेंट करो अपने दोस्तों में शेयर करो आपका एक सेकेंड निकलता है लाइक करने में एक सेकेंड से भी कम समय और मुझे मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए बहुत टाइम से बारह तारीख से ही कंटिन्यू एफर्ट डाल रहा हूँ मैं आई होप क्लास आप समझोगे इसको सपोर्ट जरूर करोगे ऐसे ही सीबीटी की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा आपको तो चैनल से बने जरूर रहना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय बाय मेहनत करो